हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी राइट नाउ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये अपना 11th फिजिक्स का चैप्टर है और इसमें हम लोग जेई नीट और बोर्ड कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें पहले थोड़ा सा जो टर्म्स एंड ये टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, फिर कुछ सॉल्विंग वगैरह कर लेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि इसमें लॉज ऑफ मोशन, अभी हम लोग इसके प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़े थे, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, उसके बाद मोशन इन द प्लेन, तो हम लोग मोशन का प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। और इसमें क्या है, हम लोग स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, ठीक है, कॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने वाले कि कोई भी अगर मोशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, अब इसको हम मोशन अगर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ये हम इसमें कोई पुश लगा रहे हैं, तो ये मोशन क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। या मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है और इसको कोई पुल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोशन क्रिएट होगा। तो ये सब हम लोग पुश पुल के बारे में ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे फोर्स, एक्चुअली फोर्स के चलते बॉडी में मोशन क्रिएट होता है। तो ये फोर्स है क्या, ठीक है, वेक्टर एफ है ना, तो एक तरह से बोले तो ये कुछ नहीं, इट इज़ द पुश और पुल। ठीक है, इट इज पुश और पुल, ठीक है, पुश और पुल है। जैसे आप एग्जांपल के लिए जैसे पुश लेते हैं, ठीक है ना, मतलब मान के चलिए जैसे कोई ये ब्लॉक है और इस पर आप ये पुश कर रहे हैं, तो ये बॉडी क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा। ठीक है, ए क्या है आपका, एक्सलरेशन, क्या है, एक्सलरेशन। अगर ये मान लो कोई ब्लॉक है, अगर ये पुल कर रहे हो, तो ये एक्सलरेट करेगा। ठीक है, तो फोर्स क्या है, इट इज पुश और पुल, ठीक है, इट इज पुश और पुल, ठीक है, या इट इज कॉज ऑफ मोशन, इट इज कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल ऑफ द पुल, तो देखो आप जैसे ये ले लो आप सीलिंग, और ये आप इसमें ले लो आप कोई मास एम है, ये आपका मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एक यहाँ पर फोर्स देखोगे एम जी, क्या बोलते हैं इसको, वेट, और यहाँ पर एक देखो ये टेंशन, ठीक है, ये टेंशन, तो एक्चुअली ये जो दिख रहा है टेंशन, ये क्या है, इट इज़ अ फोर्स, ये बोले तो इट इज़ अ पुल एग्जर्टेड बाय ए स्ट्रिंग विथ रेस्पेक्ट टू, इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो एक तरह से क्या है, इट इज पुल, है ना, इट इज पुल एग्जर्टेड बाय ए स्ट्रिंग विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम, विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम, सिस्टम के रेस्पेक्ट में क्या है, ये पुल है, क्या है, ये पुल है। ठीक है, और ये जो आप एम जी देख रहे हैं, एक्चुअली ये अर्थ है, तो ये भी क्या है, एक तरह का पुल है, इट इज पुल ऑफ द अर्थ, पुल ऑफ अर्थ, अर्थ का पुल है। और अगर ये रेस्ट में है, तो टी और एम जी क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, टी एंड एम जी, इसको क्या बोलोगे आप, बैलेंस्ड फोर्स, क्या बोलोगे, बैलेंस फोर्स, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना, ये स्ट्रिंग क्या है, बिल्कुल मासलेस है, मतलब स्ट्रिंग का मास ब्लॉक के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्जिबल है, तो इसलिए आपको इसमें हमने स्ट्रिंग का मास को कुछ डिनोट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्स इज नथिंग, इट इज पुश और पुल। ठीक है, पुश और पुल, और भी बहुत सारा फोर्स हमें दिख सकता है। ठीक है, जैसे आप ये ग्राउंड ले लो और ये ब्लॉक है एम, तो एक तो इस पर एम जी, और ये जो आपका क्या बोलेंगे इसको, कॉन्टैक्ट सरफेस बोलेंगे, कॉन्टैक्ट सरफेस, ये भी एक फोर्स लगाता है एन, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। ठीक है,
तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी क्या है, एक तरह का पूस है। इट इज पूस, ठीक है, एग्जर्टेड बाई कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस, गेटिंग नाउ। तो ये क्या है, एक तरह का पूस है। क्या है? पूस है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि ये जो नॉर्मल फोर्स होता है वो सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सरफेस का परपेंडिकुलर, या कॉमन सरफेस जो होता है कॉन्टैक्ट का उसका परपेंडिकुलर होता है। ये जो होगा नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस, राइट। और आप देख रहे हैं ये बैलेंसिंग भी हो रहा है, बैलेंस फोर्स भी है। क्या है? बैलेंस फोर्स है। तो इसीलिए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। एन इज इक्वल टू एम जी, एक तरह का फोर्स है ये। तो इसका जो यूनिट होगा न्यूटन, इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन, ठीक है, एस आई यूनिट, ठीक है। इसका जो फोर्स, ये बोलो तो पुश या तो पुल, ठीक है, न्यूटन, राइट। और CGS में जो होता है डाइम, ये सब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। 1 N 10^5 डाइम, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं डायरेक्टिव है, ये फोर्स क्या है, वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ रहे हैं फोर्स के बारे में। और भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन लो, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन लो आप, जैसे ये थीटा ले लो, यहाँ पर कोई ब्लॉक है एम, तो ये तो एम जी हो गया और ये नॉर्मल फोर्स हो गया, तो ये क्या हो गया, पुश हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया आपको पुल हो गया, पुल ऑफ अर्थ, राइट, पुल ऑफ अर्थ। इसको रिजॉल्व कर देंगे एम जी को, ये और ये, इसका जो कंपोनेंट वेक्टर हम लोग डिस्कस किए हैं, तो ये कितना होगा, एम जी साइन थीटा, और ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। ये देखना, ये बैलेंस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बैलेंस। तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, लेकिन ये कब अप्लाई करोगे, इंक्लाइन प्लेन पर, ठीक है, ये आप इंक्लाइन प्लेन पर अप्लाई करोगे। और ये देखना, ये आपको अनबैलेंस है, ठीक है, क्या है, अनबैलेंस। एक्चुअली एक्सलेशन जो होता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स बाई मास। तो ये तुम्हारा एम जी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई एम, तो बोलो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, जी साइन थीटा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, गेटिंग नाउ। तो ये हम देख रहे हैं नॉर्मल फोर्स क्या है बच्चों, ये पुश है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुश बाई इनक्लाइन प्लेन, पुश बाई इनक्लाइन प्लेन, गेटिंग नाउ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स क्या है, पुश और पुल है, ठीक है, फोर्स क्या है, पुश और पुल। अब जैसे मान लो आप सोचो कि अगर मान लो ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कोई ब्लॉक है, सपोज दैट मास इसका एम है और ये फ्री फॉल में है, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, नो पुश, ठीक है ना, नो पुश, आ रही हो सर ने। अब मान लो आप ऐसा है कि जैसे ये कोई सरफेस है और ये आपका 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 N का यहाँ पर पुश किया जा रहा है, ठीक है, और जी का जो वैल्यू है 10 m/s². तो अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाई ग्राउंड, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक एग्जर्टेड बाई ग्राउंड, राइट, एग्जर्टेड बाई ग्राउंड। तो आप देख लो, अगर इसका FBD ड्रॉ कर रहे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये 5G हुआ,
ये आपका नॉर्मल फोर्स हुआ और 10 न्यूटन, तो दिस इज द 50 न्यूटन, राइट। तो अगर देखें ये ब्लॉक को क्या बोलोगे, सिस्टम। ये ब्लॉक या सिस्टम इज इक्वल टू 5 kg। सिस्टम क्या हो गया आपका, 5 kg। इसका फ्री बॉडी डायग्राम में इसको हम डॉट से दिखाते हैं और सारे फोर्सेस दिखाएंगे। तो ये हुआ आपका 50, राइट। और नीचे 10 न्यूटन, ये जो हम पुश कर रहे हैं, और नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है, और देखना ये आपका बैलेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, बैलेंस्ड। तो एन इज इक्वल टू 10 + 50, तो एन इज इक्वल टू कितना, 60 न्यूटन, राइट। एन इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और भी देखते हैं, जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका सरफेस है, ये 10 kg है, और यहाँ से आपका एक फोर्स लगाया जा रहा है 20√2, और ये एंगल है 45 डिग्री। तो फाइंड द नॉर्मल फोर्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाय, एग्जर्टेड बाय सरफेस, एग्जर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक, ऑन द ब्लॉक। तो देखो इसमें सिस्टम लो, सिस्टम कितना हुआ, 10 kg, तो ये तो 10g हो गया, तो ये आपका 10 × 10 100 न्यूटन, या जी इज इक्वल टू 10 m/s। और ये कंपोनेंट 20√2 cos 45, तो 20√2 × 1/√2, तो ये 20, और जब 45 है ये होगा 20√2 sin 45, राइट। तो 20√2 × 1/√2, तो ये भी आपका 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन डाउनवर्ड, राइट, 20 न्यूटन डाउनवर्ड, एंड नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, एंड दिस इज द 20 न्यूटन, और ये क्या हुआ, एक्सलरेशन। तो ये तो अपन बैलेंस करेगा, तो एन इज इक्वल टू 20 + 10, तो एन इज इक्वल टू 30 न्यूटन, राइट। तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया इसमें, 30 न्यूटन हो गया। और देखना ये अनबैलेंस है, ए इज इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो 20 / मास कितना है, 10, तो दिस इज द 2 m/s², ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्स इज नथिंग, इट इज द पुश और पुल, और उसमें हम लोग नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या है, पुश है ना, और आपका टेंशन जो है पुल है, ठीक है। तो ये देखना है हम लोगों, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में, कि जैसे ये आपका सरफेस है, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है, और जी जो दिया हुआ है 10 m/s², और स्ट्रिंग जो है अपन, ये मासलेस है, क्या है बच्चों, ये मासलेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये T1 है और ये क्या है, T2, तो T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, एक तरह का ये पुल ऑफ स्ट्रिंग है, क्या है, पुल ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो देखो आप ध्यान देना है कि ये T1 ये क्या है, पुल है ना, तो ये पूरे पर पुल कर रहा है, तो इसलिए इसका तो मास है नहीं, ठीक है ना। तो आपका अगर देखा जाए तो T1 जो होगा ये 5 × 10 = 15 g, मतलब T1 इज इक्वल टू 150 न्यूटन, ठीक है। T2 क्या है बच्चों, पुल है, तो ये किसका पुल है, 10 kg का, तो T2 इज इक्वल टू 10 g, तो 10 × 10 ये क्या होगा, 100 न्यूटन, गेटिंग नाउ। तो ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्स क्या है, पुश और पुल है। एक और भी फोर्स की बात मैं कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स, ये देखना है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये स्प्रिंग है, अगर आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो, इधर एक्सटेंशन दे रहे हो, इधर एक्सटेंशन दे रहे हो, मतलब खींच रहे हो, तो स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है आपका, एक तरह से बोले तो ये स्प्रिंग इसको क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है स्प्रिंग को, कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, ये भी पुश हो रहा है,
इसका भी हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर जो है, इसमें शायद दोनों बिहेवियर आ सकता है। अब मान लो ये स्प्रिंग है और आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, बाहर से कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये भी तो पुश ही बोलेंगे बाहर की तरफ, ये इंटरनल पुश हो गया, ठीक है, पुश इधर पुश, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक तरह का फोर्स हो गया, ठीक है। और भी देखते हैं कुछ फोर्स के बारे में, जैसे आप ये ले लो आप फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली देखा जाए तो ये एक तरह का पुश ऑफ द सरफेस है, ये पुश ऑफ द सरफेस है इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। या और अच्छा से बोले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ पुश, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे देखो एक्चुअली होता क्या है कि कोई मैन है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो ये ज़मीन को, ये ग्राउंड को अंदर की तरफ ये पुश करता है। अभी हम लोग इस चैप्टर में NLM पढ़ेंगे, इसमें 1, 2, 3, तो ये इसमें ये एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए ये मैन अगर अंदर की तरफ इसको पुश कर रहा है तो उसको, इसको एक्शन बोलेंगे। तो ये ग्राउंड भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये ऐसे तो इसको रिएक्शन बोलते हैं और कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो देखो ये जो आपका ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये एक तरह का पुश ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस है, पुश ऑफ क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस, राइट। और अब इसमें देखो आप, इसका दो कॉम्पोनेंट हो गए, एक इधर और एक इधर, ये है फ्रिक्शनल फोर्स और ये है नॉर्मल फोर्स, गेटिंग नाउ। तो आप देख लो ये एक तरह का पुश है और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द पुश, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द पुश, गेटिंग नाउ। तो ये हो गया। और अगर ये नॉर्मल फोर्स देखें तो ये इट इज वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, इट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पुश, इट इज वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, इट इज वर्टिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ द पुश, क्लियर नाउ। और सी हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स या टोटल पुश हो गया, क्या हो गया, टोटल पुश। तो सी इज इक्वल टू, आप देख लो एफ और एन के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये टोटल फोर्स है, ठीक है। ये एक तरह का पुश है, ये भी एक तरह का पुश है और ये भी एक तरह का क्या है, पुश है। तो हम लोग एवरीवेयर वी आर फाइंडिंग दैट कि आपका फोर्स क्या है, या तो पुश और पुल, ठीक है। अब जैसे मान लो एक मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा है कि सपोज डैट कि आपको ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा, ये एम, ये आपका रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस है, और ये रेस्ट में है। तो अब इसमें पहला नॉर्मल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, और थर्ड टोटल फोर्स क्या होगा, और चौथा सी का डायरेक्शन क्या होगा, क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। तो देखो इसमें ये आपका एम जी हुआ, ये कंपोनेंट ये बोलो एम जी साइन थीटा हुआ, ये तुम्हारा एम जी कॉस थीटा हुआ, और ये नॉर्मल फोर्स हुआ, और ये अलोंग द सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स। देखो ये देख रहे हो रेस्ट में है, तो ये इसको ये बैलेंस करेगा। नॉर्मल फोर्स तो तुम्हें दिख रहा है, ये एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, एफ किसके बराबर होगा बोलो, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और सी जो होगा एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो एम जी स्क्वायर कॉमन एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मैथ्स का नेटेड ये वन है, तो क्या हो जाएगा एम जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सी जो है, ये जो दोनों का जो रिजल्टेंट है
एकदम बिल्कुल ऐसा, मतलब एम जी का अपोजिट होगा, ये सी होगा। तो ये क्या होगा, डायरेक्शन अगर बोले तो अपोजिट टू एम जी, मतलब ये बिल्कुल वाई डायरेक्शन में, एम जी का जस्ट अपोजिट, यही सी हुआ। ठीक है, सी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये भी एक तरह का क्या है, पुश है। तो आई होप फोर्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, पुश और पुल, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।